दोस्तों, पतियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। और जो पति अपनी पत्नी का मेंटेनेंस कम कराना चाहते थे या फिर खत्म कराना चाहते थे, उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आई है। दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे ही पति और पत्नी में जरा सी भी अनबन होती है तो पत्नी अपने पति के ऊपर अलग अलग तरह के केस लाद देती है, जैसे कि 498A का, मेंटेनेंस का, डीवी का और भी अलग अलग केस पति के ऊपर कर देती है। ऐसे में पति को 498 के केस में पुलिस को भी फेस करना होता है और मेंटेनेंस के केस में पत्नी को मेंटेनेंस भी देना होता है। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है और आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस पे कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बताऊंगी, जिसमें पति ने अपनी पत्नी का मेंटेनेंस कम करा दिया है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी पत्नी का मेंटेनेंस कम कराना चाहते हैं या फिर खत्म कराना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस जजमेंट को अपने केस में यूज कर सकते हैं और अपनी पत्नी का मेंटेनेंस कम करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये मामला है मध्य प्रदेश का, जहां पर एक वाइफ ने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस का केस डाला और जिसको फैमिली कोर्ट ने अलाउ भी कर दिया। दोस्तों, इस दंपत्ति को एक बेटी भी थी, तो फैमिली कोर्ट ने जो मेंटेनेंस बांधा है वो पत्नी के लिए 25,000 रुपये बांध दिया है और बेटी के लिए 15,000 रुपये बांध दिया है, यानी कि टोटल मिलाकर के वाइफ और बच्चे के लिए कोर्ट ने 40,000 रुपये का मेंटेनेंस बांध दिया है। अब दोस्तों, जो हस्बैंड है वो एक प्राइवेट जॉब करता है और उसके ऊपर अपने पेरेंट्स की और अपने भाई की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे में जो हस्बैंड है वो फैमिली कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट में वो अपनी एप्लीकेशन मूव करता है और अपनी एप्लीकेशन में वो बताता है कि जो वाइफ है वो वेल क्वालिफाइड है, उसके पास मास्टर डिग्री है और वो एक एक्ट्रेस भी है, कई सीरियल्स में वो काम कर चुकी है। अभी के टाइम पर वो एक डांस टीचर है, यानी कि डांस ट्यूशन देती है। तो ऐसे में जो वाइफ है वो ऐसा नहीं है कि वो अर्न नहीं कर सकती है, वो अर्न कर भी रही है और वो अर्न कर भी सकती है। हस्बैंड ने अपनी एप्लीकेशन में ये भी बताया कि जो वाइफ है उसके पास सोर्स ऑफ इनकम है और जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड को अपनी मर्जी से विदाउट एनी रीजन छोड़ कर के गई है, कोई रीजन नहीं था। और जो हस्बैंड है वो आज भी अपने वाइफ को अपने साथ रखने के लिए रेडी है। अब यहाँ पर हाई कोर्ट पति के द्वारा लगाई गई एप्लीकेशन के फैक्ट्स को अच्छे से पढ़ती है, समझती है और यहाँ पर ये ऑब्जर्व करती है कि वास्तव में जो वाइफ है वो जानबूझकर अपनी मर्जी से अपने हस्बैंड को छोड़ कर के अलग रह रही है। और वाइफ ने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट जो भी एलिगेशंस लगाए हैं, क्रुएल्टी लगाई है या मार पिटाई का, जो भी उसने अपने पति के ऊपर, अपने इन-लॉज के ऊपर क्रुएल्टी का आरोप लगाया है, वो किसी भी तरह से वाइफ प्रूव नहीं कर पाई है। यानी कि वाइफ ने अपने पिटिशन में कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी फोटोज, कोई भी प्रूफ नहीं लगाया है। तो ऐसे में जो वाइफ ने अपने हस्बैंड के ऊपर आरोप लगाए हैं वो भी वाइफ प्रूव नहीं कर पाई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो हस्बैंड ने अपनी वाइफ के प्रोफेशन के बारे में बताया है कि वो एक एक्ट्रेस है, वेल क्वालिफाइड है, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों के लिए हस्बैंड भी कोर्ट में प्रूफ नहीं दे पाया है। लेकिन दोस्तों, जब वाइफ का क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ था तो उसमें वाइफ ने एडमिट किया था कि वो दो टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी है और उसने अपनी क्वालिफिकेशन को भी एडमिट किया था कि उसके पास मास्टर्स की डिग्री है। दोस्तों, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दोनों की बातें सुनी और सुनने के बाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि अगर वाइफ वेल क्वालिफाइड है, वो पहले भी काम कर चुकी है, उसके पास काम करने का एक्सपीरियंस है, वो जानती है कि काम करके खुद को कैसे मेंटेन कर सकती है, तो ऐसे में सिर्फ पति से मेंटेनेंस लेने के लिए वो घर पर नहीं बैठ सकती, वो पति के ऊपर बोझ नहीं बन सकती है और ऐसी पत्नी मेंटेनेंस लेने की हकदार भी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर हस्बैंड भी वाइफ के सोर्स ऑफ इनकम को प्रूव नहीं कर पाता है, तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट है उसने ऐसा नहीं है कि हस्बैंड की एप्लीकेशन को अनसुना कर दिया है या फिर रिजेक्ट कर दिया है, ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हस्बैंड की एप्लीकेशन को पार्टली अलाउ किया है और वाइफ के मेंटेनेंस को रिड्यूस करके कम कर दिया है। तो दोस्तों, ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये डिसीजन आपको कैसा लगा,
इस डिसीजन के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और वहां से आप उसको अच्छे से पढ़ के अपने केस में यूज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।